वी आर गोइंग विद द न्यू टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एंड फॉर्मूला। हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है कि निभी टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की थी हमने। ए बी मान लेते कि कोई भी टू पॉइंट्स है ए बी, देन ए बी किसके इक्वल था, स्केयर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये भी ऐसे ही टू पॉइंट्स के बीच में ही हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहां से ये कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने ए और बी, ए बी, ये पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने एक्स वाई, ए के ले लिए एक्स वन वाई वन और बी के ले लिए एक्स टू वाई टू। ये जो पी पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड करता है, एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड करता है। यहां से सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या क्या गिवन मिलेगा, या तो रेशियो गिवन दे देगा और ये ए और बी के कोऑर्डिनेट दे देगा, और किसके पूछ लेगा, ये पी के कोऑर्डिनेट, या पी के कोऑर्डिनेट और ए और बी के कोऑर्डिनेट देके ये हमसे रेशियो पूछ लेगा कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये पी पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से पहले मैं सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, बाद में उसका डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो यहां से पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम वन जो एम वन रेशियो है इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है और एम टू की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है। तो एम वन की पहले इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एम वन एक्स टू प्लस में एम टू के इसके एक्स कोऑर्डिनेट एम टू एक्स वन अपॉन में क्या होगा, जो रेशियो गिवन है दोनों का सम, एम वन प्लस में एम टू। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जैसे हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई की है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ऐसे ही हम किसके साथ करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के साथ, मीन्स एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस में एम टू। ये हमारा पी का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये पी का वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि रेशियो गिवन हो तब हम इस फॉर्मूले से किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हम इजिली बाइसेक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू है, इसमें जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू है एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू, और ये किसकी वैल्यू है, वाई की, एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में क्या है, ये एम वन प्लस में एम टू। अगर रेशियो हमें ये कह दिया जाए कि ये रेशियो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो रेशियो गिवन है हमें ये ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये रेशियो एक्सटर्नली कर रहा है या इंटरनली, तब हमें क्या लेना है, इंटरनली। तो यहाँ से इंटरनली में क्या आएगा, प्लस आएगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू, ठीक है ना। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। देखो एम वन वन की मल्टीप्लाई टू के साथ, टू की मल्टीप्लाई वन के साथ, याद रखने के लिए यहाँ पे एम वन है ना और यहाँ पे एक्स टू, वन की टू के साथ, टू की वन के साथ, पहले एक्स के साथ करेंगे फिर वाई के साथ, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में जो भी रेशियो गिवन है एम वन प्लस में एम टू, फिर सिमिलरली वाई के साथ करें एम टू वाई टू, सॉरी एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। अब देखेंगे कि इसका ये डेरिवेशन कहां से हुआ है। तो यहां से हमारे पास x और y की टू वैल्यूज है, तो हमें क्या लेना होगा यहाँ पे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट तो कार्टेशियन प्लेन में ही होते हैं, x x की वैल्यूज एंड y की वैल्यू। तो यहां से हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस टू कोऑर्डिनेट सॉरी टू एक्सिस ले लिए, यहां से मैंने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। कोई भी टू पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एंड बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, देन सेक्शन फॉर्मूले के लिए कोई भी पी पॉइंट चाहिएगा हमें ए बी लाइन सेगमेंट में, देन मैंने पी के कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वन। अब यहां से ए से बी को मैंने ज्वाइन कर दिया,
अब ए से नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही पी पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन एंगल क्या हो गया 90, और इन पॉइंट्स को मैंने कह दिया ए बी सी, ठीक है ना। अब ए से इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ही पी सी लाइन ड्रॉ कर दी, क्यू और सी पॉइंट मान ली। अब ये देखो यहां से कौन कौन सी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कैसे देखो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर थी, एंगल क्या है ये 90 का, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा यहां से 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा यहां से 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन तो आपस में पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल होने के बाद ये एंगल 90 है, तो ये भी क्या हो जाता है एंगल 90 डिग्री। अब ऐसे ही जो ये एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, कैसे ये टू लाइंस हमारी पैरेलल है, ऐसे टू लाइंस पैरेलल हो कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करे, देन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमारे, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहां से एंगल वन और टू कह देती हूँ मैं इनको, एंगल वन ये है, एंगल वन और ये एंगल क्या है टू एंगल, तो यहां से कौन कौन से एंगल इक्वल है हमारे, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, और ये एंगल दोनों क्या है 90 के, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल होते बाई ए ए क्राइटेरिया। ट्रायंगल कौन कौन सी सिमिलर होगी, ए क्यू पी किसके सिमिलर होगी, पी सी बी के, ट्रायंगल ए क्यू बी किसके सिमिलर आ गई, ट्रायंगल पी सी बी के, क्लियर है ना यहां तक बात। हम जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको ड्राइव कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो मैंने क्या किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक प्लेन ले लिया और इसमें ए और बी लाइन सेगमेंट ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू, पी कोई भी पॉइंट है एक्स वाई। अब यहां से देखो हम मान लेते हैं कि जो ये पी है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बाई सेक्शन फॉर्मूला एम वन रेशियो एम टू, यानी कि एपी डिस्टेंस एम वन है और पी भी क्या है हमारी एम टू है, तो अब यहां से दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई, ये एंगल भी 90 का कॉमन, एंगल वन किसके इक्वल है एंगल टू के, देन बाई ए ए क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए क्यू पी है बी नहीं, ए क्यू पी है, ये किसके सिमिलर आ गई पी सी बी, अगर ये सिमिलर है देन सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होती हैं, तो यहां से ए क्यू बाई पी सी किसके इक्वल आ गया, यहां लिखेंगे सो ए क्यू बाई पी सी किसके इक्वल आ गया, पी क्यू बाई बी सी इक्वल टू ए पी बाई पी बी, तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद वो क्या होगा सेम प्रोपोर्शन में इक्वल, वही काम किया है मैंने ए क्यू अपोन में पी सी, इसकी जो आगे वाले टू पॉइंट्स लिए हैं तो इसके भी क्या लेना पड़ेगा आगे वाले ही टू पॉइंट्स से जो साइड वन भी है, ऐसे ही क्यू पी अपोन में बी सी ए पी अपोन में पी बी। अब ए पी अपोन में जो पी बी है ए पी अपोन में पी बी किसके इक्वल है एम वन अपोन में एम टू, किसके इक्वल है ये एम वन अपोन में एम टू। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए ए क्यू पी सी पी क्यू बी सी की, इनकी वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे और एक बार इस जो ये साइड आएगी इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे और इसको इसके इक्वल, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एक्स एंड वाई की, सेम एज इट इज वही आएगी जो हमने स्टार्टिंग में सेक्शन फॉर्मूला लिखा था। तो यहां से देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमें ए क्यू की, ए क्यू की वैल्यू चाहिए। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की ये कोऑर्डिनेट है ना पी के एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है इस वाई एक्सिस से यहां तक की, ये डिस्टेंस किसकी लेते हैं हम एक्स की, ये हमारी एक्स है। अब और यहां से यहां तक कितनी हमें तो ए क्यू चाहिए ना, ए क्यू तो कहां से आएगा कंप्लीट में से ये डिस्टेंस में माइनस कर दू तभी तो ए क्यू आएगा ना, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हमारी एक्स वन ही है ना, देन ए क्यू यहां से क्या आ गया हमारा ए क्यू इक्वल टू कंप्लीट एक्स में से एक्स वन माइनस कर दे तभी तो आएगा ना एक्स माइनस में एक्स वन। नीचे क्या है इसमें पी सी, पी सी डिस्टेंस देखो सॉरी क्या कर दिया पी सी,
हाँ ये डिस्टेंस है, यही है, ठीक है, पी सी डिस्टेंस। अब ये कंप्लीट ये डिस्टेंस है, ये कितनी है हमारी वाई टू, यहां से यहां तक ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी है एक्स टू। ये डिस्टेंस पूछे है ना, ये एक्स एक्सिस की, और ये पॉइंट हमारा क्या है एक्स टू। इसमें से क्या माइनस करें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है एक्स, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक देखो ये कितनी है एक्स। देन जो पीसी डिस्टेंस है कंप्लीट में से मैं ये माइनस कर दूं तब किसकी वैल्यू आ जाएगी पीसी की, ये कंप्लीट क्या है हमारी एक्स टू, और ये क्या है हमारी एक्स, एक्स टू माइनस में एक्स किसकी वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है हमें पी क्यू अपोन में बी सी, पी क्यू देखते हैं एंड बी सी, ये डिस्टेंस और आने के बाद हमारी सारी वैल्यू जा जाएंगी और इसके अंदर हमें पुट करके फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देन पी क्यू, पी क्यू ये डिस्टेंस है, अब ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की हमारी वाई है ना, यहां लिखेंगे ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहां इसका कोऑर्डिनेट क्या है वाई का, ये वाई के डिस्टेंस है हमें, ये क्या है वाई। पी क्यू डिस्टेंस कंप्लीट में से ये डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये इतनी, ये किसके इक्वल है वाई वन के, तो कंप्लीट वाई में से अगर मैं वाई वन माइनस कर दू देन पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगी, तो पी क्यू क्या हो गया वाई माइनस में वाई वन। सिमिलरली बी सी, बी सी देखो ये बी है और ये सी, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है हमारी यहां से यहां तक वाई टू है ना, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है हमारी बी सी ये कितनी गिवन है, ये y2 है ना, y की तो वैल्यू लेंगे ना इस साइड में y2, इसमें से हम क्या माइनस कर दें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस कितनी है y, यानी कि y2 माइनस में y, ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी bc की y2 माइनस में y। अब इजिली चारों की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, तो चलो पुट करते हैं, इसमें ए क्यू की वैल्यू क्या है एक्स माइनस में एक्स वन, और पीसी की वैल्यू क्या है एक्स टू माइनस में एक्स, पी क्यू की वैल्यू क्या है वाई माइनस में वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एम वन अपॉन में एम टू, ये रिलेशन आ गया ना हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जो पी के कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई की, तो यहां से क्या करेंगे एक बार एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाली इस टर्म को m1 अपॉन m2 के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार y वाली को इसके इक्वल, तो यहां से y की वैल्यू और वहां से x की वैल्यू, देखो सॉल्व करते हैं इस रिलेशन को, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया हमारा x माइनस में x1 अपॉन x2 माइनस में x इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y इक्वल टू m1 अपॉन में m2, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे अब x एंड y की, तो एक बार इसको मैं इसके इक्वल पुट कर रही हूं, देन सिमिलरली तुम कर सकते हो y वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करके, तो यहां से क्या आ जाएगा x माइनस में x1 इक्वल टू x2 माइनस में x इक्वल टू m1 अपॉन में m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m2 इंटू x माइनस में x1, m1 इंटू x2 माइनस में x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम टू एक्स माइनस में एम टू एक्स वन, इधर करेंगे एम वन एक्स टू माइनस में एम वन एक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए यहां से एम टू एक्स है, तो यहाँ पे एम वन एक्स है, इसको इधर ले आएंगे एम टू एक्स प्लस में एम वन एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए एक्स वाले टर्म को एक तरफ और सभी टर्म्स को एक तरफ, एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन, यहां से एक्स कॉमन आ रहा है ना, अंदर रह गया हमारा एम टू प्लस में एम वन इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन में क्या आ गया एम वन प्लस में एम टू, यही तो थी ना हमने सेक्शन फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में लिखा था उसमें एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी एम वन एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। सिमिलरली हम किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से y की, तो y को इसके इक्वल पुट कर रही हूं मैं y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस y इक्वल टू m1 अपॉन में m2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन m2 इंटू y माइनस में y1 किसके इक्वल आ गया m1 इंटू में y2 माइनस में y, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी m2y माइनस में
एम टू वाई वन इक्वल टू एम वन वाई टू माइनस में एम वन वाई, ये एम वन वाई इधर आ जाएगा, वाई कॉमन आ गया अंदर आ गया एम वन प्लस में एम टू, ये उधर जाके एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन, वाई की वैल्यू आ गई हमारी एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। यही तो थी हमारी स्टार्टिंग में बाई सेक्शन फॉर्मूला, वाई की वैल्यू क्या आई थी एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ दी सेक्शन फॉर्मूला। अब हम इसको इजिली समझ सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो एक बार फिर से देखो इस फॉर्मूले को, मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन ले ली, यहाँ पे ए और बी टू पॉइंट्स ले लिए, कोई भी इनको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट बन गया। यहाँ से पी कोई भी इसका मिड पॉइंट ले लिया जो एम वन रेशियो एम टू में इसको डिवाइड करता है, मिड पॉइंट भी कह सकते हो या एम वन रेशियो एम टू अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसका मिड पॉइंट ही हो, एम वन रेशियो एम टू में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तीनों पॉइंट से, ए से पी से और बी से, ए बी सी। अब इसको ज्वाइन कर दिया क्यू पॉइंट तक, इसको ज्वाइन कर दिया सी पॉइंट। अब ये जो दो ट्रायंगल बन रही है ये आपस में सिमिलर है बाई ए ए क्राइटेरिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल भी क्या हो गए 90 के, और ये एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन एंगल वन और एंगल टू क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या होते हैं इक्वल। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर होते इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा, सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होते ही हम इनके वैल्यू फाइंड आउट की हमने यहाँ से, तो रिलेशन आ गया हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस में x इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस में y इक्वल टू m1 अपॉन में m2। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x वाली टर्म को m1 अपॉन m2 के इक्वल, फिर y की वैल्यू निकालने के लिए y वाली टर्म को m1 अपॉन में m2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। हमें बस फॉर्मूला याद रखना है और इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.2 है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसके बाद एक रिजल्ट है कि इसका मिड पॉइंट हमें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया ये सेक्शन फॉर्मूला, ये कोई भी लाइन सेगमेंट था ए बी पी, इसका क्या था कोई भी इसके ऊपर पॉइंट एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ से एक्स वन वाई वन और इसके क्या थे एक्स टू वाई टू, ये एम वन रेशियो एम टू में इसको डिवाइड कर रहे हैं, देन एम वन की मल्टीप्लाई इधर करनी है और एम टू की हमें इधर करनी है, याद रखने के लिए ये इजी रहेगा हमारे पास। देन पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, एम वन की मल्टीप्लाई इसके साथ एम वन एक्स टू प्लस में एम टू की एक्स वन के साथ अपॉन में एम वन प्लस में एम टू, देन वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस में एम टू। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, यही हमें ध्यान रखना है और ये भी पता चलेगा कि ये कैसे हमने इसका डेरिवेशन किया। अब एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हो, किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में कोई एक पॉइंट है उनके मिड में, देन उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, पी इसके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसके एक्स वन वाई वन इसके एक्स टू वाई टू, देन पी के कोऑर्डिनेट, पी इसका मिड पॉइंट है तो यहां से लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्या होगा यहाँ से x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, देन y1 प्लस y2 बाई टू, ये हमारे क्या हो जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। x का कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 बाई टू, y का कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 बाई टू, ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसी क्वेश्चन में ये फाइंड आउट भी करवा सकता है कि इसके मिड पॉइंट निकालो, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, ये था हमारा कुछ बेसिक सेक्शन फॉर्मूला के, इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 7.2 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।